भाजपा के लोग लीडर नहीं है, भाजपा में कोई लीडर नहीं, सब डीलर हो चुका है। गंगा जमुनी तहजीब जो अमन चैन शांति को छीनना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, तो हम बता दें कि लालू जी कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका, उनका बेटा भी ये वचन करता है, ये संकल्प लेता है कि सांप्रदायिक शक्तियों से, फिरकापरस्त शक्तियों से हम लोग लड़ने का ही काम नहीं करेंगे, बल्कि देश के जो इन लोगों ने सत्ता हासिल किया है उस सत्ता से बेदखल करने का काम हम लोग मिलकर के, महागठबंधन की सरकार, हम सब लोग सातों दल मिलकर के जो है करने का काम करेंगे, बेदखल करने का काम करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक निडर डिसीजन लेने का काम किया। आज के दौर में जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वहां छापे पड़ते हैं, और जो उनके साथ रहता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। जब जब बिहार लड़ता है तब तब दिल्ली हारता है। अरे क्या वादा किया था पूर्णिया की मैदान से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, 2014 में बोला था, मोदी जी बोले थे। आप पूछिए मोदी जी, खाली जुमला नहीं बोलिए, हम बिहारी लोग हैं, हमको बुड़बक मत समझिए। माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, सभी पूर्व मंत्री, विधायक, पार्टी के कार्यकर्ता, महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण यहां उपस्थित, लाखों के तादाद में हमारे नौजवान युवा साथी, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथी, देखिए जैसा बिहार में महागठबंधन है वैसे ही हमारे देश में महागठबंधन है। इसका मतलब हमारे अनेकता में ही एकता है, यानी अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग विचारधारा हैं, अलग अलग झंडे का रंग है, ये हम लोग अनेक हैं लेकिन हम लोगों में एकता है, यही जो है महागठबंधन है, और यही हमारी पहचान और यही हमारी ताकत है। और आप लोगों के बीच हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों के दुआ से, आप लोगों के प्रार्थना से, जो आप लोगों ने दुआ किया हमारे पिता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी के सेहत को लेकर के, वो ठीक हो जाए और ऑपरेशन सफल हो जाए, और ऑपरेशन सफल हुआ तो केवल आप लोगों के दुआ और आप लोगों के प्रार्थना से जो है सफल हुआ। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि फिर से हमारे पिता हम सब लोगों के बीच आकर के आज भले ही वर्चुअल आए लेकिन हम लोगों को एक संदेश देने का काम किया। हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे पिता राष्ट्राध्यक्ष लालू जी आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटना नहीं टेका, हमेशा से लड़ाई लड़ने का काम किया। चाहे कितना भी तंग किया गया हो, लालू जी डरे नहीं, लालू जी निडर होकर के लड़ाई लड़े। और हम आपको कहना चाहते हैं कि देश में क्या माहौल है, देश के बारे में पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात को यहां रखा, लेकिन हम बोल देना चाहते हैं कि ये भाजपा के लोग लीडर नहीं है, भाजपा में कोई लीडर नहीं, सब डीलर हो चुका है। तो इसलिए ये लोग देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब जो अमन चैन शांति को छीनना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। तो हम बता दें कि लालू जी कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका, उनका बेटा भी ये वचन करता है, ये संकल्प लेता है कि सांप्रदायिक शक्तियों से, फिरकापरस्त शक्तियों से हम लोग लड़ने का ही काम नहीं करेंगे, बल्कि देश के
जो इन लोगों ने सत्ता हासिल किया है उस सत्ता से बेदखल करने का काम हम लोग मिलकर के महागठबंधन की सरकार हम सब लोग सातों दल मिलकर के जो है करने का काम करेंगे, बेदखल करने का काम करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक निडर डिसीजन लेने का काम किया। आज के दौर में जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वहां छापे पड़ते हैं और जो उनके साथ रहता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। तो जहां लोगों को डराया जा रहा है, जहां देश के सामने सवाल आया संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, वहां निडरता से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक सही समय पर निर्णय लेकर के महागठबंधन में इनकी वापसी हुई और इन्हीं का बनाया हुआ, लालू जी का महागठबंधन बनाया हुआ था। तो मुझे खुशी है कि ये आज हमारे साथ हैं और आज हमारा महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और हम सब लोगों की कोशिश है कि विपक्षी दलों को देश भर में एक करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोगों की जीत जो है सुनिश्चित होगी। और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोगों को हम बता दें कि हम लोग जब जब बिहार लड़ता है, जब जब बिहार लड़ता है तब तब दिल्ली हारता है। हम लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं। क्या क्या नहीं कर रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी की पार्टी के साथ,